झारखंड में भाषा एक बेहद संवेदनशील विषय है। आपको याद होगा कि झारखंड में भाषा के नाम पर, न सिर्फ झारखंड में बल्कि विभिन्न प्रदेशों में भाषा के नाम पर, जबान के नाम पर राजनीति होती है, सियासत होती है, बाहरी और भीतरी की बात कही जाती है। लेकिन इसी भाषा की बुनियाद पर आप लोगों को जोड़ सकते हैं, उनके बीच प्यार को फैला सकते हैं और कहीं ना कहीं एक बेहतर माहौल का, वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। एक कवित्री हमारे साथ हैं जो संथाली भाषा में लिखती हैं, अभी पीजी भी कर रही हैं और बॉटनी लैंग्वेज से पढ़ाई की है, लेकिन भाषा को लेकर इस तरह का रुझान आया कि इन्होंने संथाली में लिखना शुरू किया और इनकी जो काव्य है वो पब्लिश भी हो चुकी है, बेहतर एक छवि बनी है और लोगों के बीच में कहीं ना कहीं एक जान पहचान भी बढ़ी है। आपका नाम क्या है? सबको सबसे पहले सगुन जोहार, मेरा नाम रचना मुर्मू है और मैं बेसिकली गोड्डा जिला से बिलोंग करती हूँ। संथाली में जो आपने कहा कि मैंने लिखना शुरू किया, तो क्या लिखा अभी तक आपने? सबसे पहले तो मतलब कविता के तौर पे ही मैं सबसे पहले हिंदी से लिखना स्टार्ट की थी, तो इसके बाद धीरे धीरे मतलब संथाली लैंग्वेज पेपर एक जब पढ़ना शुरू किए तो फिर एक रुझान आया कि नहीं क्यों हमको अपना लैंग्वेज पे भी कुछ लिखना है और उसको लैंग्वेज को बचा के रखना है, तो इसी थॉट्स को लेकर के फिर हम आगे बढ़े और फिर संथाली में भी कविता लिखना। क्यों कहती हैं कि लैंग्वेज को बचा के, अब तक लैंग्वेज का वो संरक्षण नहीं हुआ जिसकी ज़रूरत महसूस कर रही हैं अभी आप? संरक्षण एक तरह से बोले तो वो धीरे धीरे ही हो पा रहा है, लेकिन हम लोगों का जो लैंग्वेज है वो उतना संरक्षित तो है बट सबके सामने आ नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से मतलब जो हम लोग के पूर्वज हैं वो हम लोगों को सिखा के गए, ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि जो नवयुवक नवयुवतियाँ हैं तो उन लोग अपने लैंग्वेज से, अपने संस्कृति से थोड़े बहुत अलग थलग हो गए हैं, तो हम इस तौर पे ये करना चाह रहे हैं कि मतलब युवा पीढ़ी भी इस चीज़ से मोटिवेट हो कि हम लोगों को अपनी संस्कृति से, अपने लैंग्वेज से जुड़े हुए रहना है ताकि हम लोग अपने पहचान को बचा के रख सकें। मतलब ये कहेंगे भाषा आपकी आइडेंटिटी से भी जुड़ा हुआ विषय है, तो आपको लगता है कि झारखंड में जो भाषाएँ क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाएँ बोली जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, उनको और बेहतर तरीके से एक्सपोजर की ज़रूरत है और प्रचार प्रसार की ज़रूरत है? जी बिल्कुल है, क्योंकि अगर अभी जिस तरह से डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो डिजिटल युग पहुँच चुका है, तो उसके हम लोगों के लैंग्वेज को थोड़ा प्रचार प्रसार होना जरूरी है, क्योंकि लोगों तक जब तक हम लोगों का बात नहीं पहुंचेगा तब तक हम लोगों को पहचान और ज्यादा नहीं मिल पाएगी, तो इसलिए जरूरी है ये सारे। अगर आपने कुछ लिखा हो तो चार पंक्ति हमारे दर्शकों के लिए भी बताइए। तो आप देख पा रही होंगी क्योंकि अब तो ज़माना डिजिटल का है, लिहाजा ज़्यादातर लोग जो हैं सॉफ्ट कॉपी ही अपने पास रखते हैं, हार्ड कॉपी का ज़माना कमोबेश खत्म होने के कगार पर है, लिहाजा तमाम जो लोग लेखक हों, लेखिका हों, तमाम लोग चाहते हैं कि अपने चीज़ों को वो सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से सेफ रखें, सुरक्षित रखें, लिहाजा उसी कड़ी में आप देख पा रहे हैं कि मोबाइल में उसे सेफ रखा जा रहा है। अब ये मानती हैं कि अभी जो है और जो नौजवान लड़के लड़कियाँ हैं, खासकर आदिवासी समाज की, संथाली समाज की, उनको और करने के लिए बहुत कुछ और करने की ज़रूरत है, उनको और पढ़ाने लिखाने की ज़रूरत है, ये खासकर अपने भाषा को कनेक्ट करने के लिए और यूनिवर्सिटी के स्तर पर और डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत है, हालांकि रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ाई तो होती है। हाँ जी पढ़ाई तो होती है, बट जैसे हम लोग गोड्डा जिला से बिलोंग करते हैं तो उधर का संथाल परगना का क्षेत्र आप देखोगे, देखिएगा कि पाकुड़ साइड जो बहुत ही पिछड़ा है अशिक्षा के क्षेत्र में, वो बहुत ही सबसे नीचे स्तर पर है, तो ऐसे जगहों पर शिक्षा प्रसार करने के लिए उधर भी यूनिवर्सिटीज़ और बढ़नी चाहिए, स्कूल कॉलेज बढ़ने चाहिए और वहाँ तक शिक्षा पहुँचना चाहिए। कुछ सुना रही थे? हाँ जी, तो मैंने ये संथाली में लिखा हुआ है, हाय रे अभगिय होड़ हपन को, तो ये मतलब अभी के समय के अनुसार मैंने लिखा है कि मतलब हम लोग इस नए युग में बढ़ तो रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ हम लोगों में है कि हम लोग आगे खुद को नहीं रख पा रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को रोक रही हैं, जैसे अशिक्षा होती है, जैसे जागरूकता, ये इन सब चीज़ों को, तो उसी पे मैंने कुछ लिखा है, हाय रे अभगिय होड़ हपन को, हायरे अभगिय होड़ हपन को, बटी हंडी रे उनुम जो बेया काना, धीरी दिपिल दे अमा दिन चला काना, मैन खान अकीलान को दो इन खचल तेगी को टका को दिपिल जौ काना, हायरे अभगिय होड़ हपन को, हायरे अभगिय होड़ हपन को, ओकासे कुटी अंतेगी लुटी हो चो चलाव काना, ओकासे कुटी अंतेगी लुटी हो चो चलाव काना, हुदिस गांडोन लगी ते हाता हो बांग सारे अकाना, हासा भाषा अरी चली आर एमान से तेम तायोम अकाना, हाय रे अभगियो होड़ हपन को, हाय रे अभगियो होड़ हपन को, हिस्क हिपिस्क ते मानवाबुन पेरे अकाना, हिस्क हिपिस्क ते मानवाबुन पेरे अकाना, एटागी होड़ और न्यूरहई लगी ते कुसित बुन अटकारे काना, अड़ी दुख रिया कथा अबुआ समाज रे गंडार लगाव काना, हाय रे अभगियो होड़ हपन को, हाय रे अभगियो होड़ हपन को, नेहाली जुग दो बदल चुको वकाना,
सार्क पीते लड़ाई रिया जुगहों चबावकाना निदो अकील सेते लड़ाई रिया ओक्ते बलोवकाना आंजम ताबुन पे अभगियो हर हपन को आंजम ताबुन पे अभगियो हर हपन को केटे सोनेरो सुतम रे तोल मिदु रिया ओक्ते सेटेरकाना भिडी हारता हरो अकान तरुक कुखन भिडी हारता हरो अकान तरुक कुखन संतरो रिया ओक्ते सेटेरकाना आबुवा हतांग दो आलुबुन खाए अचुइमा आबुवा हतांग दो आलुबुन खाए अचुइमा तबे आंते समाज दो लहा ताबुना। धन्यवाद। ये हम जानना चाहते हैं कि अगर इन क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई की जाए तो इसमें क्या हम अपना करियर बना सकते हैं, इसमें कोई स्कोप नज़र आता है झारखंड के स्तर पर बात करें तो? हाँ जी बिल्कुल है स्कोप। आप जैसे दूसरे सब्जेक्ट को लेकर के हम लोग पीएचडी करते हैं, फिर कॉलेज में एज ए प्रोफेसर काम करते हैं, तो उस तौर पर हम लोग आगे कॉलेज में काम कर सकते हैं और ट्रांसलेटर के रूप में भी हम लोग उसको आगे अपना करियर बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र में जैसे संथाली लैंग्वेज, संथाल प्रयगना और झारखंड में ज़्यादातर लोगों को समझ में आता है, बाहर से जाइए तो वो समझ में नहीं आते, तो वहाँ एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो ऐसे क्षेत्र में एज ए ट्रांसलेटर हम लोग अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये हम क्या माने कि आगे आप इसी क्षेत्र में रहेंगी या जैसे आपने कहा कि बोटनी से आपने पढ़ाई की या उस क्षेत्र में जाके करियर बनाना चाहेंगे? मैं तो सोच रही हूँ कि मैं अपने बॉटनी है कि एक वो प्लांट से हम लोग कनेक्ट हैं, तो वो एक मेडिसिनल प्लांट के तौर पे उसको तो अपने लाइफ में इंक्लूड करना ही है, और मतलब इस संथाली लैंग्वेज को भी मतलब साथ में लेकर के चलना है, आगे इस पे और भी काम करना है। वर्तमान सरकार से क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं के संरक्षण को लेकर उम्मीद है कि नहीं, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं कि सरकार मदद करेगी, इनको संरक्षण की दिशा में कुछ आगे बढ़ेगी? सरकार से तो हम लोग का हमेशा आशा रहता है कि हम लोगों के लिए कुछ काम करें, और आगे भी यही आशा है कि वो हम लोगों के लैंग्वेज को, हम लोगों को, समाज को संरक्षित करने के लिए और बहुत सारा योगदान दें और कुछ कार्य करें। बहरहाल आपने सुना, ये थी संथाली भाषा की लेखिका जो भी लिखना शुरू की है, लेकिन इसके माध्यम से ये आप इस समाज के बारे में समझ सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो अपनी भाषाओं को, अपनी तहजीब और तमद्दुन को, यानी अपनी भाषा और संस्कृति को लेकर के कनेक्ट हो रहे हैं और अपनी जड़ की तरफ जा रहे हैं और उस जड़ की बुनियाद पर कहीं ना कहीं अपना जो मुस्तकबिल है, अपना फ्यूचर है, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। लिहाजा ऐसे कई जो भाषाएँ बोलने वाले लोग हैं, खासकर क्षेत्रीय हो, जनजातीय भाषाएँ बोलने वाले लोग हैं, आप कहीं ना कहीं जागरूक नज़र आते हैं और कहीं ना कहीं इन भाषाओं की बुनियाद पर अपना करियर सेट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। फिलहाल मुझे यानी शहनवाज और मेरे कैमरा सहयोगी संजय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।